फूडीज असल क्या हाल है आप लोगों का रोज़ा कैसा चल रहा है और इतना कनेक्शन बनने के बावजूद भी मुझे आप लोगों की तरफ से फीडबैक नहीं आ रहा ये याद रखें कि ऑल दो हमारी मीटिंग वर्चुअल हो रही है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आई एम ग लेट यू ऑफ द हुक आई वॉन्ट नो एग्जैक्टली वट इज़ हैपनिंग वट योर ट्रबल्स आर वॉट योर इशूज आर बिकॉज इफ़ यू आई कैन ओनली हेल्प यू इफ़ यू टेल मी अगर आप मुझे इशूज़ बताएंगे नहीं तो मैं आपको हेल्प कैसे करूँगा तो आ, नाजरीन आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज ए गेम चेंजर इट इज़ लिटरली अ गेम चेंजर बिकॉज बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं एंड देर इज सो मच ऑफ कन्फ्यूजन मैं आपको एक छोटी सी एक आ, कहानी सुनाता हूँ जब मैंने अपनी ये फिटनेस की जर्नी शुरू की ना और, uh, मैंने, uh, और मैंने एन हाइव बिन आइटेड फॉर ट्वेंटी प्लस ईयर्स और मैंने ये देखा कि मैं uh, दुनिया के अंदर सारी चीज़ें कर कर के यू नो आई आई डिड एवरी थिंग दे वॉज अंडर द सन आई वॉज डूइंग माई कैलरी काउंट आई वॉज वॉचिंग माई कैलरीज आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे एंड स्टिल आई वॉज नॉट गेटिंग रिजल्ट तो हमारे वेट लॉस इंडस्ट्री के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशन होती है जिसको हम कहते हैं कि वन पाउंड ऑफ बॉडी फैट इक्वल्स 3500 कैलोरीज ये बड़ा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है इससे आपको इस टॉपिक की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप जो वेट लॉस का सिलसिला करते हैं ना हालांकि हार्मोन इंबैलेंस का बट आई जस्ट वॉन्ट डेमोस्ट्रेट अ पॉइंट सो स्टिक विद मी के वन पाउंड ऑफ स्टोर्ड फैट टेक्सट बुक ये कहती है जो स्टैंडर्ड टेक्स बुक है वो ये कहती है वन पाउंड ऑफ स्टोर्ड ह्यूमन बॉडी फैट इक्वल्स 3500 कैलोरीज ठीक है तो आप अगर 500 कैलोरीज का डेफिसिट डेली क्रिएट करें तो 500 हंड्रेड टाइम सेवन इज थर्टी फाइव हंड्रेड यानी कि जब हम डेली पाँच सौ कैलरीज का डेफिसिट क्रिएट करें और उसको सात दिन कंटिन्यू रखें तो मैथमेटिकली हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर वी शुड बी लूजिंग वन पाउंड ऑफ फैट बट दैट इज ओनली गुड ऑन पेपर इट नेवर हैपन्स इन रियल लाइफ कि आपका आपने 500 सौ कैलरीज का डेफिसिट क्रिएट किया और पेपर पे तो वो कैलकुलेशन होगी लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहा और मैंने अपने साथ ये किया मैंने जितनी कैलकुलेशन हो सकती थी आप वो कैलकुलेशन कभी अगर देखें ना तो आपका सर घूम जाए कि ये अदनान कर क्या रहा है ये लगता है कि कोई स्टैट्स की कोई क्लास अटेंड कर रहा है बट ट्रस्ट मी आई बिन डाउन दैट लेन ऑफ कैलकुलेटिंग यहाँ तक कि मुझे कितनी ट्रेडमिल के ऊपर इंटेंसिटी करनी है कि मुझे गोल अचीव करना है इसकी भी वो कैल्कुलेशन uh, होती हैं तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये सारी कैलकुलेशंस करके जब मैंने ये मैंने ये के देखा कि मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम क्या है वाई इज इट कि जब ये इतनी इतनी, इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक्स कह रही हैं कि इस तरह मैथमेटिकली रिजल्ट आपको अचीव होएगा वो हो ही नहीं रहा वाट इज़ द प्रॉब्लम तो मुझे पता लगा करते 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 इन्वेस्टिगेट करते करते कि इशू ये था कि आई वज बॉडर लाइन डायबेटिक मुझे वो कह लें हाइपोग्लाइसीमिया uh, और इंसुलिन के इश्यूज़ सामने आए उससे क्या हुआ और उससे मुझे क्या पता लगा कि हॉर्मोन्स की एक गेम मैंने कहा ओहो oh, oh, भाई ये तो कहानी कुछ और है मैं तो सिर्फ इसको नंबर number, नंबर्स की गेम ले रहा था ये तो कहानी कुछ और है तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ हॉर्मन इम्बेलेंसेज इट इज सो ह्यूज that if we try to understand it, it, it will really truly change your entire perspective on health, on, on fitness, on mental health, on weight loss. and the story goes on. mena, apni jo forum clients ko audience ko regularly okay, educate uh, or information check a lot of women have, you know, the hips, एंड द था एंड द बेली इशू यानी कि लोअर बॉडी का जो फैट स्टोरेज है उसका एक बहुत बड़ा इश्यू होता है आप वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं आप कार्डियो करते हैं आप डाइटिंग करते हैं और आप अपना तन मन नन थका देते हैं अपने आप को आपकी अपर बॉडी पतली हो जाती है लोअर बॉडी वहीं की वहीं रहती है सो इन एसेंस वॉट हैपन्स इज योअर पीयर शेप गोज फ्रॉम लेस पीअर शेप टू मोर पीअर शेप कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो और डिसप्रोपोर्शनेट होना शुरू हो जाता है बिकॉज अब आपने कार्डियो कर कर करके और डाइटिंग कर करके आपने इतना अपनी अपर बॉडी के ऊपर से फैट और मसल उड़ा दिया नीचे जो 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 सारा बल्क था वो वहीं का वहीं रहा और इंटरेस्टिंगली साइंस अब ये बता रही है कि एस्ट्रोजन का बढ़ना एस्ट्रोजन डोमिनेंस जो कि हमारा टॉपिक है दैट इज वन प्राइम रीज़न वाई वुमेन हैव फैट स्टोरेज इन द हिप्स बट थाइज एंड बेली हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट इन फैक्ट साइंस अब यह भी बता रही है कि गाइज हु है फैट इन दिप एरिया बिकॉज बंदों को यूजली औरतों ने तो फिर भी फॉर फर्टिलिटी रीजनस लोअर बॉडी के अंदर फैट स्टोर करनी होती लेकिन बंदों के भी जिनके हिप्स भारी होने शुरू हो जाते हैं उनके भी एस्ट्रोजन के मामला सामने आ रहे हैं तो पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन एज हॉर्मोन्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड हारमोन्स आर द मैसेंजर्स दैट टेल द बॉडी व्हाट टू डू आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ हम एक अपना जिस तरह हमने सैरी अफतारी की ठीक है अफतारी की तो उस वक्त जो हमने चाहे जो मर्जी भी खाया उसके अंदर हमारी ब्लड शुगर एकदम बढ़ी ठीक है जब वो ब्लड शुगर बढ़ी तो बॉडी ने इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है डायबेटिक्स को ये हार्मोन बड़ी अच्छी तरह पता है बॉडी ने इंसुलिन से किया और उस इंसुलिन ने क्या किया कि जो ब्लड के अंदर इतनी आ, आ, आप कह लें कि एब्रप्टली ब्लड शुगर बढ़ी उसको नीचे लेके आया तो इन एसेंस वट एम आई ट्राइंग टू से हॉर्मोन्स आर द मैसेंजर्स दैट क्रिएट ए स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस अ स्टेट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी और हमारे जो हेल्थ के और वेट लॉस के मसाइल हैं अगर हम अपनी मैं उसको कहता होता हूँ अगर हम अपनी हार्मोनल अप्रोच लें ना कि हम अगर पहले ऐसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें जिसके अंदर हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस में लेके आए तो दैट विल बी अ मच पावरफुल एंड मच मोर इफेक्टिव स्ट्रैटी देन जस्ट काउंटिंग कैलरीज के आप अपनी वो अपनी कोई ऐप के अंदर वो तीन सौ कैलरीज काउंट कर रहे हैं फिर ढाई सौ कैलरीज काउंट कर रहे हैं दो सौ कैलरीज हो गई हैं दैट इज़ एन ओल्ड स्कूल अप्रोच दे द न्यू अप्रोच इज दैट यू इज द सिम्टम्स और उन सिम्टम्स को सामने रखते हुए आपने उसका तरीकेकार अडोप्ट करना है कि मैंने इस मामले को खत्म कैसे करना है सो आर टॉपिक इज हॉर्मोन इम्बेलेंस नाउ देर आर देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्मोन इम्बेलेंस देर इज अब हाइपोथर ठीक है ये भी एक हॉमोन इंबेलेंस है पोलिसिस्टिक सिंड्रोम पीसीओ या पीसीओ ये भी एक हॉर्मोन इंबेलेंस है इंगजाइटी और डिप्रेशन भी हार्मोन इम्बेलेंस की उसकी बहुत बड़ी वजह है तो आई आई से ऑफ द इशूज़ हार्मोन्स आर एट प्ले और टेस्टिंग इसकी सेकेंड स्टेज पे आती है सिम्टम्स इसके पहले स्टेज पे आते हैं तो हम अगर बात कर रहे हैं हॉमोन इम्बेलेंस की तो एक मिसाल मैं आपको दूँगा कि आप एक रेसिपी बना रहे हैं आप एक केक तैयार कर रहे हैं और उस रेसिपी के अंदर हर जो इन्ग्रीडियंट उसकी अपनी एक जगह है चीनी की अपनी एक जगह है अंडों की अपनी जगह है फ्लावर की अपनी एक जगह है यू गेट दी आइडिया और ये इंग्रेडिएंट्स बड़ी क्वांटिटी में चल रहे हैं एक एग्जैक्टिंग अमाउंट से इनकी तो ये जब ऊपर नीचे होंगे तो रिजल्ट क्या होएगा? वो टेस्ट जो आप एक लेमन मुरैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे वो अगर लेमन उसके अंदर कम हो गया तो लेमन का टेस्ट आना ही नहीं है कहने का मकसद ये है नाजरीन के हॉर्मोन्स की ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है बॉडी के अंदर तो ये जो ऊपर नीचे भले थोड़ी सी अमाउंट में भी होते हैं ना तो ये प्रॉब्लम बॉडी के लिए क्रिएट हो जाती है एंड दैट्स वेयर द सिमटम्स दैट्स वे द गाइड अस आप अगर मेरी इन टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको अब ये पता लग चुका है कि अदनान सिम्टम्स के ऊपर बहुत फोकस करता है आई वॉन्ट यू टू गेट कनेक्टेड विद योर ओन बॉडी आई वॉन्ट यू टू रादर देन लुक हेर एंड देयर और घबराएं और पौधर जाए उससे बेहतर है कि अपने अंदर देखें कि मुझे सिम्टम्स क्या आ रहे हैं मेरे क्या बाल गिर रहे हैं मेरी शुगर लो हो रही है मेरा ये हो रहा है ये बड़े पावरफुल इंफॉर्मेशन है इसको हमने सामने रखना है तो नाजरीन एस्ट्रोजन डोमिनेंस एस्ट्रोजन एक ऐसा पावरफुल हार्मोन है दैट इज ए फी डामिनट फीमेल हार्मोन यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ये ज़्यादा होता है लेकिन मेल बॉडी के अंदर भी होता है साइंस ये बताती है कि एस्ट्रोजन दोनों जेंडर्स के अंदर होता है बट एस्ट्रोजन इन द फीमेल बॉडी इज अप्रॉक्सिमेटली टेन टाइम्स मोर कम्पेयर टू द मेल बॉडी इसी तरह ही एस्ट्रोजन की ऑपोजिट जो मेल डामिनंट हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टीरोन और टेस्टोस्टिर भी देखें कुदरत का निज़ाम दोनों जेंडर्स के अंदर है बट द मेल बॉडी हैज़ टेन टाइम्स मोर टेस्टोस्टिरन देन अ फीमेल बॉडी तो मकसद आपको इस वक्त साइंस का लेक्चर नहीं देना आपको थोड़ी सी इन्लाइटमेंट देना है क्योंकि कोई ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा एटलीस्ट मेरे सर्कल में और मेरी ऑडियंस में भी मुझे नज़र नहीं आता कि लोग इस तरह की बात कर रहे हो और आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग दीज थिंग्स तो एस्ट्रोजन का क्या रोल है एस्ट्रोजन जब बॉडी के अंदर इसके मल्टीपल uh, 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 जो जॉब्स हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर ही करता है प्रॉब्लम ये होती है कि ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स ड्यू टू मल्टीपल रीजन ड्यू टू स्ट्रेस स्ट्रेस दिस दैट अदर एस्ट्रोजन बढ़नी शुरू हो जाती है और जब एस्ट्रोजन बैड एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं दैट स्टार्ट बिकमिंग अ अ ब्लीडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्फ्लमेशन फॉर वेट गेन स्पेशली इन द हिप्स इन थाइ जैसे कि मैंने बात की और बाकी आगे मामला क्या क्या इसके अंदर आते हैं वेट गेन डिप्रेशन पोलिसटिकोवीरियन सिंड्रोम बेली फैट, हाइपोथायरजम ब्लोटिंग मूड स्विंग्स फाइब्रॉयस एंडोमेट्रियोसिस और मेंस्ट्रुअल इेगुलरिटीज़ आपको एक मज़ेदार स्टैटिस्टिक बताऊं, वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं एक गूगल uh, पे चेक करा था कि कैंसर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है तो आई कि जिस तरह हम आपस में देखते ना कि लोग सिगरेट स्मोकिंग बहुत करते हैं तो इन माई माइंड आई कि लंग कैंसर वुड बी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट वुड यू बिलीव कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की uh, के स्टैट्स हैं और वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन टू के ये स्टेटिस्टिक्स हैं या 2007 के उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर 16 किस्म के कैंसर पाए जाते हैं एंड वुड यू बिलीव ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट मतलब कि फॉर मी दैट वाज ए गेम चेंजर मैंने जब सोचा मैंने कहा यार इट्स अनबिलीवेबल और अगर ब्रेस्ट कैंसर की आप बिगिनिंग स्ट्रेस करें तो वो एस्ट्रोजन डोमिनंस और हाई एस्ट्रोजन और इन्फ्लेमेशन एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हमें पता ही नहीं और अगर आप ये देखें तो पी सी ओ एस पोलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये कितना कॉमन हो चुका हुआ है मेरी ओपिनियन के मुताबिक तकरीबन एवरी टू टू थ्री लेडीज इन 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 टेन हैज़ पी और पी के अंदर एक जो हॉमन डिस, डिस फंक्शन कर रहा होता है वो एस्ट्रोजन होता है कि वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है तो मकसद नाजरीन आपको डराना नहीं है मकसद पैनिक क्रिएट करना नहीं है नॉलेज लीड्स टू इंफॉर्म्ड एक्शंस ठीक है तो ये uh, मामला सामने आते हैं और ये सिम्टम्स भी आपके सामने आ रहे हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट uh, सिम्टम के पेनफुल पीएमएस ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है और इसके अंदर अगर आपको ब्लोटिंग और बहुत ज्यादा पीएमएस के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं तो मेक नो मिस्टेक दिस इज एस्ट्रोजन डोमिनेंस एट प्ले यू डोंट हैव टू नेली वरी अबाउट इट बट यू मस्ट टेक कंसर्टेड एजुकेटेड एफर्ट टू रिड्यूस दिस एस्ट्रोजन एंड माइंड यू आई वीव डन दिस एंड आई कैन से अलहमदिल्ला जब हम क्लाइंट्स के साथ इस तरह बात करते हैं जब मैं अपने उनको ये चीज़ बताता हूँ और उस तरह की डाइट और वो मामला बताता हूँ तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर होता है क्योंकि वो कहते हैं जब एक आपको आ, तरीके का डायरेक्शन सही मिल जाए ना तो आप जब उसके ऊपर अमल करना सीखते हैं तो उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली होता है तो अब हमने अब हमने बात करनी है कि ये तो आपने बता दिया कि इश्यूज़ हैं अब इसका करना क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता दी मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए मैंने आपको एस्ट्रोजन का और और हॉर्मोन्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया नाउ व्हाट वी नीड टू डू द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टेक अकाउंट ऑफ जीनो एस्ट्रोजेंस ये जो हम उसको कहते हैं एस्ट्रोजन मेमिकर्स के जो हमारी इन्वायरमेंट हमारी जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का काम करते हैं उसको हमें थोड़ा सा माइंडफुली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं कल मैंने जो डिटॉक्स के ऊपर बात की वो इससे लिंक करती है कि जब हम लिवर को सपोर्ट करते हैं तो लिवर बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को और बैड एस्ट्रोजन्स को निकालता है तो अगर आपने मेरा वो डिटॉक्स वाला टॉपिक नहीं देखा और अगर आपके ये जो सिम्टम्स हैं लोअर बॉडी फैट के इश्यूज हैं और मूड स्विंग्स के और पीएमएस के इश्यूज हैं तो आप वो पिछली वाली मेरी कल की टॉपिक जरूर देखें उसके अंदर लिवर सपोर्ट का डिटॉक्सीफिकेशन का तरीकेकार बताया है और उसी टॉपिक के अंदर ही एस्ट्रोजन को क्लियर करने का क्या तरीका बताया है कि जो जीनो एस्ट्रोजेंस हम जो अपनी इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं ये जो शीशे साफ़ करना ये जो फर्श साफ़ करना ये जो बर्तन साफ़ करने वाला ये टूथपेस्ट ये शैम्पूज ये क्या हैं ये सारे केमिकल्स हैं ऑब्वियसली आई यूज़ इट एंड आप भी यूज़ करते हैं इनसे इंसान जान तो नहीं छुड़ा सकता लेकिन इनको मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकता है तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यू नो वो एक बड़ा खूबसूरत कोट है Perfectionism is the enemy of progress. Perfectionism is the enemy of progress. Okay. हमने अगर तो करना है या तो बिल्कुल ही 100 परसेंट करना है और अगर नहीं करना तो कुछ नहीं करना तो ये ऑल और नॉन मैंटेलिटी है ना इसको साइड पे रखें और जो जो चीज़ों को आप ज़िम्मेदारी से कम कर सकते हैं उनको कम करने की कोशिश करें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करें क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आधा कर दें अगर आप एरोसोल्स यूज़ कर रहे हैं मच्छर मार यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वो कम इस्तेमाल करें पूरे कमरे में स्प्रे ना करें जहाँ पर मच्छर मिले मक्खी मिले उसके ऊपर स्प्रे कर दें आप जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोशिश करें कि उसकी मेदार कम करें ये क्या है आप उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं कि इतनी जो टॉक्सिन जा रहे हैं उनको हम कम करें मैं अमूमन अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि जो घर में जो एयर फ्रेशनर्स यूज कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत है ठीक है तो इसकी जरूरत नहीं है जब आपको इसका हार्म पता लग गया तो फिर आप इसकी यूज को भी कम करेंगे स्टॉप यूजिंग दो परफ्यूम कैंडल्स अब कहने को चीज यह है कि अगला बंदा कह सकता है कि अदनान क्या ये कैंडल्स का या एयर फ्रेशनर यूज करने से मेरे एस्ट्रोजन के मामला ठीक हो जाएंगे येस बट यू आर लुकिंग एट अ वेरी टाइनी पार्ट हम कहते हैं कि जहां जहां से चीजों को ठीक कर सकते हो ना वहां वहां से ठीक करो इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं जीनो एस्ट्रोजेंस वी आर द इन्वायरमेंट द टॉक्स दैट वी आर गेटिंग थ्रू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उनको कम करने की जरूरत है दूसरी चीज अब जीनो एस्ट्रोजेंस आ रहे हैं जो डाइट के अंदर है वो कौन से हैं फार्म ये जो फार्मी जो डेरी आइटम्स हैं जो बिलखसूस जो चिकन हम यूज़ करते हैं इसको थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी को कम करें और अगर आपको पोलिसिस्टिक डायग्नोज हो चुका हुआ है क्लिनिकली बिन डायग्नोज देन आई वुड से प्लीज स्टॉप योर कंजम्पन ऑफ डेरी एंड चिकन इमीडिएटली आई हैव टू से दिस एज इट इज बट इट मस्ट बी सेट दैट वी नीड टू स्टे अवे फ्राम फ्राम दीज फ्राम दीज फूड आइटम्स बिकॉज इनके अंदर Uh, जो एस्ट्रोजन के जो प्रोडक्शन <coughs> बढ़ाने के जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो बॉडी के अंदर एक तबाही फेरते हैं तो इसको ज़रा कम करने की ज़रूरत है गो टू अदर मीट सोर्सेज चिकन को कम करें अगर ऑर्गेनिक है तो देन दैट इज़ द बेस्ट बल्कि इनफैक्ट न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हमने न्यूट्रिशन के अंदर ठीक करना जितना ऑर्गेनिक हो सके उतना जाएं और अगेन इसके अंदर भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं अगर आप नहीं कर सकते जितना कर सकते हैं चार चीज़ें ले सकते हैं या हफ्ते में दो दिन अफोर्ड कर सकते हैं इवन दैट इज़ बेटर ठीक है तो इसके साथ साथ अब इसके साथ साथ और क्या करना है बेसिकली आपने आम, लिवर को सपोर्ट देना है न्यूट्रिशन को ठीक करना है और उसके साथ साथ आपने आ, ये जो एक्सरसाइज़ है एक्सरसाइज को यकीनी बनाना है ताकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी भी कर लेंगे फिजिकल एक्टिविटी से भी काम बनेगा कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू गेट योर ब्लड सर्कुलेशन गोइंग उससे आपकी बॉडी के ये जो एस्ट्रोजन है ये कम होती है और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताता चलूँ एस्ट्रोजन का और दूसरे हॉर्मोन्स हैं थोड़ा सा सॉरी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं ये एस्ट्रोजन है ये आपकी प्रोजेस्ट्रोन और ऑक्सीटोसिन है ये जो एस्ट्रोजन जो बढ़ती घटती है ना ये इन हार्मोन्स की बेस के ऊपर है कि जब ये मौजूद हैं तो ये एस्ट्रोजन को भी लेवल में रखेंगे जब ये बिल्कुल कम हो जाएंगे तो ये गैप बढ़ जाएगा और जो ये गैप बढ़ेगा इसके अंदर एस्ट्रोजन डोमिनेंस होएगी और ये जो बेस के जो हार्मोन्स हैं ना इनका आपके स्ट्रेस से ताल्लुक है तो जो इंसान क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर है जिस इंसान की नींद बैन मैनेज नहीं है और उसका स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये वाले जो हार्मोन्स हैं जो एस्ट्रोजन को चेक में रखते हैं वो ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे तो ये गैप बढ़ेगा उस गैप से एस्ट्रोजन डोमिनेंस होएगी उससे इन्फ्लेमेशन होएगी तो नाजरीन आ, करने की क्या जरूरत है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने की ज़रूरत है ठीक है जी आ, असद भाई मुझे आपके आ, मैं पढ़ लिया आपका कमेंट आई एम जस्ट अबाउट टू एंड द सेशन उसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं और नाजरीन एक भी एक और चीज़ नोट करें कि जो डाइट के अंदर हम बात कर रहे थे फ़ाइबर का बहुत बड़ा रोल है एक तो लिवर का बहुत बड़ा रोल है दूसरा फाइबर का बहुत बड़ा रोल है कल मैंने आपसे जिक्र किया था वेजिटेबल्स का तो ये जो फ़ाइबर है ना ये फाइबर इज़ ए मेरिकल थिंग ये फ़ाइबर खाने से आपकी बॉडी के अंदर जो जो टॉक्सेंस हैं उसको वो क्लियर आउट होते हैं सो यू आर सपोज टू हैव अबाउट थर्टी टू फोर्टी फाइव ग्राम्स ऑफ फाइबर अ डे विच इन क्वान्टिटी टर्म्स कि अगर हम सब्जियाँ लें तो ये जो एक सर्विंग है ना तकरीबन एक छोटा बोल जो ये तकरीबन आपने पाँच से आठ सर्विंग्स डेली की लेनी है तो आपकी ये क्वांटिटी पूरी होएगी और इस क्वांटिटी को आपने एकदम नहीं शुरू कर देना बिकॉज जब आपको सब्जियों की आदत नहीं है और आप एकदम खा रहे हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होएगी ऑलवेज टेक अ प्रोग्रेसिव अप्रोच उसके साथ साथ कुछ बेसिक वाइटमिन हैं जिस तरह मैं कहता हूँ वाइटमिन सी लें मल्टी वाइटमिन लें वाइटमिन डी लें ये आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी बेहतर है और दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिड्यूसिंग दिस लोड तो Uh, मेरे से ना मजेदार बात यह है कि बहुत सारी खवतिन कहती हैं कि अदनान सब कुछ करके देख लिया ये लोअर बॉडी फैट नहीं जा रही और हम स्क्वाट कर करके थक गए हम एक्सरसाइज कर कर करके थक गए हम डाइट कर करके थक गए कर कर तो मैं उनको कहता हूँ कि आपने स्क्वाटिंग नहीं करनी आपने अपने लाइफ को चेंज करना है तो वो बड़े बड़े ना तजुब से वो बड़े हैरान होकर कहती है कि यह क्या बात है मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने थाज को काम करना है आप कह रहे हैं कि जी एयर फ्रेशनर्स मैं इस्तेमाल करें तो ये क्या बात है तो कहने का मकसद ये कि हम लोगों को चूंकि किसी ने बताया नहीं है बात तो हमें ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं लेकिन जस्ट बिकॉज यू हैवन हर्ड दिस इन्फॉर्मेशन बिफोर डज मीन कि इट डजन एग्जिस्ट ऑब्वियसली इट डज़ एग्जिस्ट वो ये कि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो अब ये रमज़ान के बाद भी आपका जो फिटनेस रजीम और हेल्थी वेट लॉस का सिलसिला शुरू होएगा उसके अंदर आप इन चीज़ों को इनकोपरेट करें और रिस्पॉन्सिबली करें ताकि आपको हेल्थ uh, के भी बेनिफिट्स मिलें आपको हिप्स और थाइज और बेली के भी बेनिफिट्स मिलें और आपको वेट लॉस के भी बेनिफिट्स मिलें एक और मैं आपको मज़ेदार फैक्ट बताने लगा हूँ बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन होती है वो इंसुलिन को भी रेगुलेट करती है तो एस्ट्रोजन का जो ऊपर नीचे होना वो इंसुलिन के साथ भी छेड़खानी करता है और इंसुलिन इज़ अ फैट स्टोरेज हार्मोन वो खास तौर पे बेडी बेली फैट के लिए इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है तो हमें इसको मेंटेन करना है हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है जिससे हम अपना सिलसिला मेंटेन कर सकें और सिंपल हैक्स हैं सिंपल हैक्स हैं कि ट्राई टू क्लीन ईट क्लीन बेसिक्स वही हैं कि प्रोसेस फूड्स को कम करें सब्ज़ियाँ थोड़ी सी खाएँ प्रोटीन की अपनी इंटेक रखें डाइटरी फैट्स थोड़े से लें आप कार्बोहाइड्रेट्स की भी इंटेक है उसको एक तरीके से लेके आए जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि काब्स की तरीका एक होता है कि एकदम आपने 200 ग्राम से 50 ग्राम पे नहीं आ जाना हर चीज़ को स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है तो ये जब आप तरीक़ेकार फॉलो करेंगे इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा तो नाजरीन ये मेरा टॉपिक था और ये एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन थी एस्ट्रोनिक डोमिनेंस के ऊपर अब थोड़ा सा सवालों की तरफ आते हैं और uh, सवालों के अंदर लेट्स स्क्रोल थ्रू सना गुल पूछ रही हैं डू यू गिव क्लासेस सना जी यस आई डू गिव क्लासेस यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन माय वेबसाइट अदनान फारूक डॉट कॉम ऊपर लिंक आ रहा है उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी uh, अंजा पूछ रही हैं टेल मी अबाउट इट आई एव बिन विक्टिम ऑफ हॉर्म इम Uh, it makes your life terrible. Anzaji, I'm glad you we are on the same page. I think you are better than so many other, पीपल आउट देर जिनको ये नहीं पता कि हॉर्मोन्स का चक्कर क्या है मैं अपने जो जो क्लाइंट्स हैं अनजा जी उनके साथ क्या करता हूँ जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं उनकी मैं पहले ब्लड रिपोर्ट लेता हूँ उसको सामने रखते हुए आपका प्लान बनता है ताकि तरीका तो पता लगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पे कि हम सिर्फ कैलोरीज के ऊपर खेल रहे हैं या हम थोड़ा सा डीप डाइव करके और चीज़ों को एक्चुअली रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं नायला um, कह रही हैं आई एम ऑलसो सफरिंग फ्राम हाइपोथरिजम वट शुड आई डू नायला जी मैं पहले भी आई थिंक कल के या इससे पहले के एक सेशन में हाइपोथराडिज़म के ऊपर कंसर्न आया था और बहुत से लोगों को हाइपोथाडिज़म के ऊपर कंसर्न है मैं जो एक दो चीज़ें आपको कहूँगा एक तो ये कि हाइपोथायरिज़म जो ज़्यादातर वो हैं वो हाशी मोटोज थायरडाइटिस है विच मीन्स के ये ऑटो अम्यून नेचर का है विच मीन्स के ऑटो अम्यून का मामला ये है कि कुछ डाइट या लाइफस्टाइल के अंदर ऐसे मामला हैं कि जो हमारे Uh, जो इम्यून इम्यून सिस्टम है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वी नीड टू रिमूव ग्लूटन वी नीड टू रिमूव डेयरी एंड वी नीड टू डेफिनेटली मेक स्ट्रेस मैनेजमेंट अ प्रायोरिटी ये तीन चीज़ें जब आप करेंगे थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप देखेंगे कि आपके थायरॉयड का फंक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ माइंड में रखें कि जब आप एक्सरसाइज अगर आप हाइपोथायरिज्म का अगर आप पेशेंट हैं और अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी बॉडी के ऊपर एक दुबाव पड़ता है दैट्स नॉट अ गुड थिंग सो आई ऑलवेज से थ्री टू फोर डेज थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट टोटल बॉडी वर्कआउट इज गुड इनफ सो आई होप नायलाजी दिस आंसर इज योर क्वेश्चन उसके बाद डू यू रिकमेंड गेटिंग हॉमोन लेवल्स चेक सोफिया जी दैट्स अ गुड क्वेश्चन आई वुड से फर्स्ट रिकोगनाइज द सिम्टम्स वो सिम्टम्स अगर आपको मौजूद हैं जिस तरह के मैंने अभी बताया एस्ट्रोजिन डोमिनस के तो टेस्टिंग तो हो सकती है लेकिन उससे पहले आप अपना जो न्यूट्रिशन को ठीक करें और किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर से आप अपनी राय लें खुद उनको इंटरप्रेट करने ना बैठ जाइएगा कि क्या मामला होता है क्योंकि एक हार्मोन का दूसरे हार्मोन के ऊपर इंपैक्ट होता है दिस इज अ टेक्निकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सो यू कुड डू दैट इफ यू वांटेड टू बट आल्सो रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स एंड इफ यू गेट दो सिम्टम्स उनके क्योर नेचुरल है आपने कोई दवाइयां तो खाने नहीं देखा हमने यहाँ पे कोई दवाइयों की बात तो की नहीं है तो आप नेचुरल क्योर के ऊपर काम कर सकते हैं लाइफ को चेंज कर सकते हैं उससे डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा सो माई माई आंसर इज यू कैन डू बोथ एंड यू कैन चूज हाउ यू वॉन्ट टू गो अबाउट इट Um, uh, उसके बाद आई एम सॉरी मैं अगर ये नाम सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ अल्सा खालिद कह रही हैं फ्राइड वेजिटेबल्स डेट वी ईट विल दैट कवर आवर बॉडीज़ नीड फॉर फाइबर और शुड बी फोकस ऑन ईटिंग रॉ दैट्स अ गुड कॉमेंट जी um, आप उनको सौते करें आप उनको जूस करें आप उनको रॉ खा लें दैट इज इंटायरली अप टू यू इट डी मेक अ डिफरेंस सो Uh, I hope that answers your question. Uh, Pakistani sabzi. जी पाकिस्तानी सब्ज़ी मैंने अपनी पिछले लाइव सेशंस के अंदर ये बात की है पाकिस्तानी सब्जी फ़िट्स द बिल सिर्फ कोशिश करें कि इनको ओवर कुक ना करें और ये भी नोट करें कि कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं कि जिनको आपको पकाए बगैर गुजारा नहीं है और कुछ हैं जो आप रॉक खा सकते हैं कैबेज खा सकते हैं लेटस खा सकते हैं, खा सकते हैं क्यूकम्बर खा सकते हैं कैरेट खा सकते हैं तो जो जिन सब्जियों को बेसिक रूल ऑफ थम है कि जिनको आप रॉ खा सकते हैं उनको आप थोड़ा सा सौते करके कभी कभी रॉ खा लें ताकि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और वैरायटी की वेजिटेबल्स जाएंगी तो उनका भी अपना बेनिफिट है क्योंकि इन वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा फाइबर ज़्यादा होता है आलू भी तो एक, एक सब्जी है लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा है तो जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन uh, और कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमल होते हैं दे आर द देल्थियस्ट तो इस तरह का बैलेंस आपने क्रिएट करना है सो आई होप दिस आंसर इज योर क्वेश्चन नायला कैरी हैं, ऑलरेडी नॉट टेकिंग ग्लूटेन एंड वेरी लेस डेरी नो मिल्क नथिंग मोस्टली डूइंग डेली वॉक 40 मिनट्स नायलाजी दैट सीम्स टू बी अ गुड रिजीम अब वन आई लोकेट अंडर द माइक्रोस्कोप और ये देखा जाए कि आपके गोल्स क्या हैं और कब से आप लगे हुए हैं और कहाँ आपने जाना है दैट रिक्वायर्स अ लिटल बिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो शायद मैं कॉमेंट्स के अंदर इतनी डिटेल में बता ना सकूँ थैंक यू सो मच आई एम ग्रेटफुल जी सो दैट टेक्स केयर ऑफ द क्वेश्चन गाइज नाउ माई लास्ट पॉइंट इज गाइज इन ऑल ऑफ दिस कल भी मैंने बात की थी और आज भी मैं बात कर रहा हूँ कि हाइड्रेशन इज एट द टॉप ऑफ़ द लिस्ट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टे हाइड्रेट और रमज़ान के अंदर तरीक़ेकारी होना चाहिए कि मैंने आपको कल भी बताया कि मैं पानी की एक जो जो अपना जो सिलसिला जारी रखता हूँ अफतारी से ले सैरी तक आप एकदम सारा पानी ना पिए थोड़े थोड़े सिप लेते रहें पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल लें थोड़ा सा एप्पल विनेगर डाल लें बट वट एवर यू डू मेक श्योर दैटर बॉटल विद यू एट ऑल टाइम्स क्योंकि बार बार इंसान अगर आपने वो Uh, पानी का ग्लास पीना तो उसमें भूल भुलैया जाती है सो इफ यू कैरिंग अ वाटर बॉटल विद यू एंड यूर सिपिंग इट अ वे दैट द बेस्ट वे टू डू इट एंड मेक श्योर यू डू इट यू आर कंज्यूमिंग क्लीन वाटर लाइक एक्वाफीना बिकॉज दिस इज आई यूज इट पर्सनली ऑल्सो इट इज़ प्योरिफाइड यूजिंग वो कहते हैं इनकी एक प्योरिफिकेशन सिस्टम है जिसको मैंने पढ़ा हाइड्रो हाइड्रोसेवन टेक्नोलॉजी विच इज़ रियली ग्रेट सो मेक श्योर कि जहाँ पे इतनी चीज़ों के ऊपर हम बात करें वहाँ पर जो पानी है क्योंकि बॉडी सेवेंटी परसेंट वाटर है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है गाइज़ आई होप यू फाउंड दिस लाइव सेशन इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल प्लीज़ प्लीज़ डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन आई एम हेड टू सर्व एंड हेल्प यू गाइज अल्लाह हाफिज़